टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, नोटों के ढेर। आपने इतने नोटों के ढेर देखे नहीं देखे? क्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े ढेर देखे थे? कभी सिनेमा में भी देखे थे क्या कर दिया इन लोगों ने। और ऊपर से यहां की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। यहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है। टीएमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओं भी उनको खुली लूट करने का मौका मिले। अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को टीएमसी अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है। अब आप मुझे बता दीजिए, मैं जरा आपको पूछता हूं, क्या ये टीएमसी की लूट मैं चलने दूं क्या? ये टीएमसी जो करती हो मैं करने दूं क्या? ये पैसा आपका है कि नहीं है? ये बंगाल के लोगों का पैसा है कि नहीं है? आपकी मेहनत का पैसा है कि नहीं है? क्या औरों को लूटने दूं क्या? अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं, नहीं करता हूं? ये लूटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूं, अच्छा कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। मैंने पश्चिम बंगाल की बहनों, पश्चिम बंगाल के गरीब, पश्चिम बंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है, जिसने गरीब को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा।